आज हम जानेंगे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण विटामिन, जिसे जानना चाहे एडोलेसेंट हो, चाहे यूथ हो, चाहे ओल्ड पर्सन हो, तो इसको जानना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, क्योंकि फ्रेंड इसकी कमी हमारी फैमिली मेंबर में कहीं ना कहीं पाई जाती है। आपके यहाँ पर 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको विटामिन B12 की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में भी लोगों को इस विटामिन की कमी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके जैसे कि सिम्टम्स या कुछ जैसे कि शरीर पर क्या क्या प्रभाव दिख रहे हैं, कुछ लोग जैसे आपकी मदर्स है या फादर है वो किस तरह से बात कर रहे हैं या मेरे को इस तरह का फील होता है, तो वो नॉलेज आपको होने से कम सही डॉक्टर का चयन कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे विटामिन B12 की कमी के कारण, यानी विटामिन B12 की आपकी कमी क्यों होती है, उसके अलावा इसके कमी से आपके शरीर पर आपको क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और आप अपनी डाइट के अंदर कौन कौन से फूड एंड सप्लीमेंट लें जिससे आप अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो उनकी आप पूर्ति कर सकें। शुरू करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 को यहाँ पर एनर्जी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा इसे पावर हाउस ऑफ विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और मेडिकल टर्म में इसे कोबालामीन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी दो तरीके से हमारे शरीर में विटामिन बनते हैं। सबसे पहला होता है एक फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन में क्या होता है, जो आप फूड एंड सप्लीमेंट लेते हैं वो आपकी बॉडी में फैट में जाकर डिजोल्व हो जाता है, यानी उसमें घुल जाता है, यानी सोल्युबल हो जाता है, और अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार वो फैट से उसे लेता रहता है, जिसमें आते हैं विटामिन A, D, E, K। उसके अलावा दूसरा विटामिन होता है वाटर सोल्युबल विटामिन, यानी आप जो फूड सप्लीमेंट लेता है वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर के अंदर घुल जाता है, यानी सोल्युबल हो जाता है, और अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार लेता है, और बाद में वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अंदर विटामिन B1, B2, B3, उसके अलावा विटामिन B6, B12 अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। अब फ्रेंड यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है। फ्रेंड जैसे कि हमने बात करी कि विटामिन B12 आपका फैट सोल्युबल विटामिन होता है, यानी आपने फूड एंड सप्लीमेंट लिया वो हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर फॉर्म में चला गया। अब जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो तो शरीर ने ले ली, उसके अलावा वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो गया। यानी मान के चलो अगर आपने ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 लिया है, आपकी बॉडी अपने आवश्यकता अनुसार लेगी, बाकी सबको बाहर निकाल देगी। तो इससे आप समझने की कोशिश करिए किस विटामिन की हमें डेली रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये फैट सोल्युबल तो है नहीं कि आपकी बॉडी लेगी जो अपने आवश्यकता अनुसार उसे लेगी, बाकी वो फैट का फैट में रह जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। अब उसके बाद हम बात करें जैसे कि विटामिन B12 की ज़्यादातर कमी किसमें पाई जाती है, तो ज़्यादातर फ्रेंड यह देखने को मिलती है महिलाओं में। उसके अलावा फ्रेंड यह 50 प्लस एज में भी देखने को मिलती है, लेकिन क्लिनिकली आजकल कुछ कहना मुश्किल होता है, आजकल ये अर्ली एज में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी व्यस्त हो चुकी है जिसकी वजह से जंक फूड फास्ट फूड का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर जो आपकी एक नेचुरल डाइट होना चाहिए वो आपको डाइट नहीं मिलने की वजह से भी इस तरह की कमी पाई जा रही है। अब बात करें कोज यानी कारण, किन कारणों की वजह से आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें वेजिटेरियन पीपल। फ्रेंड जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मांसाहारी लोगों की तुलना में उतना विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट फूड होते हैं वहाँ पर एनिमल फूड्स की अपेक्षा विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। उसके अलावा 50 प्लस एज और आपकी कोई बीमारी होने की वजह से भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जो कि आजकल 40 प्लस एज में भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें कुछ ड्रग्स, क्योंकि यहाँ पर जब आपको डिजीज़ होती है तो डिजीज़ को कवर करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपको मेटफॉर्मिन दी जाती है, उसके अलावा कॉन्ट्रापिल टेबलेट यानी गर्भ निरोधक गोलियाँ हो जाना, उसके अलावा आपको एंटी एसिड यानी जब आपके पेट में गैस बनती है या फिर कोई ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट ड्रग दी जाती है, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, देवाप्राजोल, तो इनकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। फ्रेंड उसके बाद बात करें यहाँ पर सर्दी, जैसे कि जेनेटिक सर्दी, मोटे लोगों को मोटापा कम करने के लिए सर्दी की जाती है, उसके अलावा आपको स्टोमक रिलेटेड सर्दी की जाए
या फिर आपके जैसे गैस का बनना, आपके डाइजेशन का बराबर नहीं हो पाना, तो इस कंडीशन में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी पाई जाती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें अल्कोहल, जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनमें भी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी पाई जाती है। अब फ्रेंड अब बात करें विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से आपको शरीर पर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, यानी क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पाया जाएगा एनीमिया यानी खून की कमी। उसके अलावा यहाँ पर लिथार्जी और वीकनेस, जैसे कि आपके शरीर में आलस आना, आपके काम में मन नहीं लगना, कुछ काम करने के बाद आपको थकावट सी महसूस होना, शरीर में अकड़न जकड़न जकड़न सी महसूस होना, उसके अलावा मन का नहीं लगना, यानी आपको अपने शरीर में वीकनेस सी फील होती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड जैसे कि आपको एनीमिया हुआ, अब एनीमिया होने के बाद में हम बाहर से जो वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स के द्वारा, और यहाँ पर पाई जाती है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारे खून का प्रोडक्शन यानी हमारे खून का प्रोडक्शन करवाती है। अब ये आरबीसी क्या होती है, आरबीसी जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं उसको बाइंड करती है और सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को पहुँचाती है। अब जब आपको दिमाग में आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर आपको ठीक तरह से आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, यानी ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग नहीं होने की वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। अब फ्रेंड अब बात करें हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब फ्रेंड यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं सुनपन से आपको लगना, कहीं चीटियाँ चलना, या फिर आपने सुना होगा, क्योंकि हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है जिसकी होती है एक माइलिन सीट। अब माइलिन सीट का एक पोषक तत्व होता है विटामिन बी ट्वेल्व। अब विटामिन बी ट्वेल्व का जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वहाँ पर ठीक तरह से उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर सुनपन होना या चीटियाँ चलना इस तरह से दिखाई देता है। आपने डॉक्टर के द्वारा सुना भी होगा यार इसके नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। और फ्रेंड ये कभी कभार जैसे कि आपके हाथ पैरों में सुनखाना या फिर चीटियाँ चलना, ये तो चीज़ें होती है। उसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके कभी गर्दन में PIVD की समस्या हो जाना, आपके डिस्क आगे पीछे होने की वजह से भी नर्व पे कंप्रेशन होता है, उस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप रखिए। यहाँ पर विटामिन बी ट्वेल्व की टेबलेट वगैरह दी जाती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें बॉडी पेन, आपके शरीर में जैसे कि बैक पेन हो जाना, कमर का दर्द का बनना, जॉइंट का पेन होना, या मांसपेशियों में अकड़न जकड़न बनना, तो यह विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड विटामिन बी ट्वेल्व का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हम जो प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करता है। अगर हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी मसल्स को वो ठीक तरह से उनका पोषक तत्व नहीं मिला, क्योंकि हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वहाँ पर मांसपेशियाँ अली फटीग हो जाती है, जिससे वहाँ पर अकड़न जकड़न या बॉडी पेन बनना हो सकता है। अगर फ्रेंड आपका विटामिन बी ट्वेल्व अगर जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी थ्री के साथ में भी कमी पाई जाती है तो यहाँ पर आपको गठिया जैसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, यानी आपके मल्टीपल जॉइंट पेन बन सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आपके फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाना, तो उसको भी हील कराने पर इसका कुछ ना कुछ योगदान होता है। सो फ्रेंड ये तो था हमारा पार्ट वन। तो यहाँ पर हमने बात करी कि आपके विटामिन बी ट्वेल्व की कमी क्यों होती है, उसके अलावा इसकी कमी की वजह से आपको शरीर पर प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अब फ्रेंड पार्ट टू में हम बात करेंगे विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होने पर आप नेचुरल डाइट के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें लें जिससे आप इसकी पूर्ति कर सकें। फ्रेंड उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एंड स्क्रीन से भी उन्हें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें, या फिर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।